कौशाम्बी लोकसभा 2008 में निर्माण परिसीमन के बाद हुआ और 2009 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए। सुरक्षित सीट है, कुल देखा जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात रही कि प्रयागराज के पड़ोस का कौशाम्बी है और जैसे यहाँ से चायल, सिराथू, मंझनपुर और फिर प्रतापगढ़ की 2 विधानसभाएं भी इसमें जुड़ती हैं, कुंडा और बाबागंज। बहुत अलग परिसीमन है, बहुत अलग क्षेत्र है, बहुत अलग राजनीति है और इस राजनीति के बीच में समाजवादी पार्टी ने एकदम ऐतिहासिक फैसला किया, सबसे युवा सांसद उम्मीदवार दे दिया, पूरे देश में सबसे युवा सांसद उम्मीदवार दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है, जो भी सुनता है चौंक जाता है कि 25 साल का युवा सांसद बनने की राह पर है। अनुभव की बात करें, राजनीति की बात करें, तो ये सब बड़े कार्य जो है समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाते हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं प्रत्याशी के तौर पर पुष्पेंद्र सरोज जी, हालांकि उनके पिताजी बहुत वरिष्ठ समाजवादी नेता भी रहे हैं, मंझनपुर क्षेत्र से 5 बार के विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेता उप प्रतिपक्ष के भी रहे हैं। ये सब बड़े अनुभव हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कभी सोचा था आपने राजनीति में? देखिए, ज़रूर मेरा राजनीति से ताल्लुकात बहुत पुराना है, सक्रिय मैं अभी हुआ हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बहुत समय से कौशाम्बी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय होकर बहुत बार वो विधायक बने, मंत्री बने, तो स्वाभाविक है कि मैंने राजनीति में आना कभी ना कभी सोचा था, इतना जल्दी आना नहीं सोचा था, लेकिन अच्छा है जल्दी आए, दुरुस्त है। जल्दी आए, चुनौती बहुत बड़ी, देखिए चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन जनता आपके साथ हो तो फिर चुनौती बहुत छोटी लगने लग जाती है। जिस तरीके से हम बाहर निकल रहे हैं अपने साथियों के साथ, लोगों से मिल रहे हैं, तो जनता हमारे साथ जुड़ रही है और जनता ही हमको हौसला और भरोसा दिला रही है, और जनता जब साथ में होती है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। परिवार के अगर रिश्ते देखे जाए तो पिता से ज़्यादा पुत्र से मोह होता है, तो आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आपके प्रति लोगों का लगाव कुछ ऐसा दिखता है? देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से मेरा पिताजी ने सब समाज के लिए काम किया, कौशाम्बी के विकास के लिए काम किया, तो लोगों का उनसे लगाव बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं अब उनका काम इतना ज़्यादा है कि मैं खुले मन से और सर उठा के लोगों के बीच में जाकर अपने काम और अपनी एक नई सोच रख सकता हूँ, अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो शायद मुझे भी आज रोड रोड घूमना पड़ रहा होता, लेकिन मैं खुले दिल से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, लोग मुझे गले लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे पिता का भी काम इसमें चला। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विदेश में पढ़े और वहाँ का जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, जो ज्ञान था, वहाँ अपने देश में लाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही बहुत सी ऐसी योजनाएं लाए जो फिलहाल अभी किसी सरकार ने अभी तक नहीं खुला पाए, तो ऐसी ऐसी योजनाएं लाए, तो कौशाम्बी में भी ऐसा बात की जाती है कि आपके पिताजी किसी तरह की योजनाओं को कौशाम्बी को कौशाम्बी बनाने वाले, तो ये अनुभव आपको दिखता है वहाँ? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक युवा चेहरे पर भरोसा जताया है, वो भी बाहर पढ़े हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्री काल में पूरे प्रदेश के लिए काम किया, एक नई सोच से काम किया, युवाओं को जोड़ के, माताओं को जोड़ के, सब के लिए काम किया, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई मिसाल के तौर पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, या तो लैपटॉप बांटना और एम्बुलेंस सेवा, पुलिस के लिए हेडक्वार्टर्स, कैंसर इंस्टीट्यूट, सब जो उन्होंने एक नई सोच के तौर पर यहाँ पे लोगों को अवगत कराया, वो एक नए सोच के लिए एक बाहर से पढ़े हुए व्यक्ति का ही सोच हो सकती है। जहाँ तक आपने मेरे पिताजी की बात की, उन्होंने कौशाम्बी के लिए ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास तक सारे काम किए, आज लोग उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कह के पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को जिस तरीके से सम्मान दिया, लोगों के लिए काम किया, और आज हम लोगों के बीच अपने कामों को लेकर के वोट मांग सकते हैं, ये सब उन्हीं की वजह से। आप एक युवा हैं तो कहा जाता है कि जैसे इधर जवानी चलती है उधर ही होता है, ऐसे कुछ बातें हैं तो आपके साथ युवाओं की बहुत जरूरत है, तो ये क्या जुड़ाव जो है कुछ बड़ा करेगा? देखिए आज अगर आप देखें तो देश में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित युवा है, जिस तरीके से बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवा ही अपना घर चलाता है और युवा ही अगर पैसे कमाता है तो घर का चूल्हा जलता है, आज सरकार ने वही युवाओं से छीन लिया है, तो मैं बस युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा हूँ, वो खुले मन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक पूरा कुनबा मेरे साथ हर दिन जुड़ता चला जा रहा है, अपने मुद्दों को लेकर के, अपने हक को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं,
और मुझे पूरा विश्वास है कि कौशाम्बी की जनता और देश की जनता एक बदलाव करेगी। आप हाई टेक पढ़े लिखे हैं, अकाउंट्स और मैनेजमेंट की बड़ी डिग्री आपके पास है, वीडियोस का भी कल्चर है, तो प्रचार प्रसार में कुछ नया काम दिखाएंगे। देखिए, प्रचार प्रसार में एक नयापन तो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया का जुड़ गया है। सोशल मीडिया के साथ साथ मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल प्रचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति सोशल मीडिया से नहीं, लोगों से जुड़ के की जाती है, लोगों की सुन के की जाती है, लोगों का सम्मान करके की जाती है, लोगों से मिल के की जाती है। तो सबसे सर्वप्रथम वही है, उसके बाद सोशल मीडिया एक एडेड बोनस के तौर पर आप कह सकते हैं। युवाओं का साथ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये कॉम्बिनेशन बनाकर ही क्या आगे बढ़ने की रणनीति। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि युवाओं का साथ मिले और बुजुर्गों का साथ मिले तो उससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। बुजुर्गों का जब आप एक्सपीरियंस अपने साथ जोड़ते हैं, मेरी सोच जो एक नई सोच है उसमें बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके उनकी सोच को लेकर के आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो राजनीति को ज़मीनी तौर से समझते हैं। कौशाम्बी एक ऐसी धरती है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पवित्र है, और देखा जाए तो आधुनिक देखा जाए तो उस पर के से जियोग्राफिकल देखा जाए तो विकास की बहुत सी अभी वहाँ उम्मीदें हैं, तो क्या उसको पूरा करेंगे, कुछ विजन लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे पिताजी ने कौशाम्बी के विकास के लिए काम किया था, फिर एक बहुत लंबे टाइम से वो विकास रुक गया। जो माननीय सांसद जी अभी हैं, उन्होंने 10 साल वहाँ पे कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, उल्टा लोगों का अपमान किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चुन के आऊँ तो अपने ही पिता के कामों को आगे बढ़ाऊँ, उनके कारवां को और बढ़ाऊँ, और लोगों को सम्मान दूँ और उनके लिए काम करूँ। बड़ा सपना है, बड़ा विजन है, लेकिन जब सपने देखे जाते हैं तो उसके लिए मेहनत की जाती है, दिन रात एक किया जाता है और सपना पूरा भी होता है। ये एक उद्देश्य है कौशाम्बी की जनता के लिए। फिलहाल प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिव पूजन सिंह, NVT ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।